Hello students, so today we are going to learn maths worksheet standard 8 second part blanks. The multiplicative inverse of minus 1 integer 1 upon 8 is. So पहले तो इसको हम convert कर लेंगे. 7 मंजा 7, 7 plus 1 8. So answer आएगा 8 और sign रहेगा minus क्योंकि यहाँ पे minus upon 7. ये अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है, अभी इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है. तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, नंबर को इंटरचेंज. तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 upon -8. सो दिस इज अवर आंसर. सेकंड, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. जब भी हम कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा. थर्ड, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -1/3 आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ जीरोज ऑन द नंबर लाइन. नाउ जीरो के ऑपोजिट साइड ही होंगे, इस तरफ होंगे नेगेटिव एंड इस तरफ होंगे पॉजिटिव. तो जीरो के ऑपोजिट साइड ही होंगे दोनों ही, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. नेक्स्ट, फोर्थ, द रेशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म p/q इज. नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 and 2. सो जब भी 2 डेसिमल प्लेस है तो अपन में क्या पुट करते हैं, 2 zeros यानी कि 100. सो यहाँ से डेसिमल प्लेस को रिमूव कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1011/100. सो दिस इज द रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ pq. नेक्स्ट, द टू रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and -5 विथ डिनोमिनेटर एज 1 आर. सो -2 and -5 के बीच में कौन से दो रेशनल नंबर्स आते हैं, दैट इज -3 and -4. नाउ सिक्स्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज. 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे. पहले 1024 टू से करेंगे, 512 आएगा. अगेन टू से डिवाइड करेंगे, 256. अगेन टू से 128, 264, 232 = 64, 216 = 32, 28 = 16, 24 = 8, 22 = 4 and 21 = 2. नाउ स्क्वायर फाइंड करना है हमें, सो हम क्या करेंगे, 2 2 का पैर बना लेंगे. फर्स्ट 2, सेकेंड 2, थर्ड 2, फोर्थ एंड फिफ्थ. मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32. नेक्स्ट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 12, 13 and blank. सो जब भी ऐसे आपको गिवन हो तो क्या करना है हमें, बिगर नंबर क्या है, 13² - 12² 13 का स्क्वायर क्या है, 169. 12 का स्क्वायर है 144. दोनों का ही डिफरेंस फाइंड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का. सो यहाँ पे आंसर आएगा 5. नेक्स्ट, 8th, जीरो हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल. जीरो के रेसिप्रोकल्स होते हैं नहीं, सो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल. द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. सो वैसे दो ही नंबर्स है, 1 and -1, जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर 1 का 1 आएगा एंड -1 का -1 आएगा. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/5 और साइन रहेगा माइनस का. नेक्स्ट, अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर राइट इज कॉल्ड अ स्क्वायर. एक रोम्बस है जिसके सारे एंगल्स राइट है तो क्या होगा, स्क्वायर. नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विच टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट. अ पैरेललोग्राम इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. सो पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और उसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के, यानी कि राइट एंगल. सो वो कौन सा फिगर होगा, दैट इज रेक्टेंगल. नेक्स्ट, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर नॉट इक्वल. एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं नहीं. द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल.
और इसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. सो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं. द क्यूब ऑफ 100 विल हैव 6 जीरोस. नाउ 100 का अगर क्यूब करते हैं तो इसके 6 जीरोस आते हैं. कैसे आते हैं? 100 इंटू 100 इंटू 100. सो 1 1 7 1 7 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6. कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरोस. सो ब्लैंक में हमने लिखा है 6 जीरो. देन वंस डिजिट इन अ क्यूब ऑफ 38 इज 2. दैट इज करेक्ट. वो हमें इसका क्यूब निकालने की ज़रूरत है नहीं. इसके लिए हमने पूरा टेबल सीखा हुआ है कि अगर लास्ट में 8 है तो इसका अगर हम क्यूब या इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो आंसर क्या होगा? 2. क्यूब ऑफ एनी एंडिंग विथ 7 विल एंड विन अ डिजिट 3. कोई भी क्यूब का नंबर अगर एंड होता है 7 से तो इसका डिजिट जो है वो 3 से ही एंड होगा. सी 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27. 7 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 4 3. सो यू कैन सी 3 7 7 3. इसी तरह से 8 2 2 8 होता है. क्यूब ऑफ -10 इज -1000. -10 × -10 × -10. 10 10 ज़ा 100 एंड 100 10 ज़ा 1000. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन अगेन प्लस माइनस माइनस. एंड अगर कोई भी हम नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा. सी वो ब्लैंक गिवन है. द क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. क्लियर? सो दिस वाज द ब्लैंक्स ऑफ वर्कशीट.